हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज़ योर सोशल साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी। ओके, क्लास टेंथ, फोर्थ चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी। चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम एग्रीकल्चरल थिंग्स लाइक टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, सम मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। ओके, एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। ओके, एंड मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यानी कि यहाँ की जो करीब करीब 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किस में इंगेज है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है। और इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर में सबसे आगे भी है। मींस यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं। तो अब हम इसमें यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम सबसे पहले देखेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है कि इसमें छोटे स्केल पर, यानी कि छोटे छोटे पैचेज में, स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो स्मॉल पैचेज में, यानी कि छोटे छोटे लैंड्स पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। यानी कि इसमें कोई एक छोटा सा एक किसान है जो केवल अपने परिवार के लिए, अपने परिवार यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अपना हो सकता है उसका एक छोटा सा खेत हो और वहाँ पर वो क्या करता हो, एग्रीकल्चर वर्क करता हो। इसमें क्या चीज़ें होंगी, इसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाएगी। मतलब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड मतलब कि इसमें जैसे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा। ओके, ये क्या है, सिंपल जो एंसिएंट टाइम में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि जैसे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाएंगे। और जो प्रिमिटिव वे है, यानी कि जो प्रिमिटिव है उसमें, यानी कि पुराने तरीके से खेती इसमें की जाती है और इसको करने का मकसद होता है, इसको सेल करने के पर्पज़ से नहीं किया जाता है, ये अपने फैमिली के लिए की जाती है। यानी कि इसमें नॉर्मल हल का यूज़ होगा, कोई फार्मिंग टूल्स इसमें इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और सीड्स इसमें कोई ऐसे सीड्स जैसे HYV सीड्स इसमें यूज़ नहीं किए जाएंगे, नॉर्मल सीड्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ अपने परिवार के लिए, एक छोटा सा किसान इसको करता है। और इसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो इसको सेल करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और हो सकता है कि इसमें किसान अगले साल जो सीड्स अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है कि बचा के रख लेता है और वो सोचता है कि पिछले साल का जो बचा हुआ सीड्स है उसी को इस साल इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न भी, एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक जैसे कोई फॉरेस्ट उसको थोड़ा सा खाली करके वहाँ पर काट कूट के उसको, और फिर इसमें उन एक जगह पर जो उसको वहाँ पर उस जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको जला करके उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह खेती की जाती है, स्लैश एंड बर्न। ओके, तो इस तरह से इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये इससे थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर है। यानी कि इसमें तो प्रिमिटिव वे में किया जाता है लेकिन इसको थोड़ा सा हल्का सा, इसमें थोड़े बहुत बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएंगे, नॉर्मल कुछ टूल्स यूज़ किए जाएंगे। इसको हाई पॉपुलेशन एरिया में, यानी कि जो लैंड पर डिपेंड है वहाँ पर थोड़ा किया जाता है। यानी कि केवल अपनी फैमिली के लिए नहीं, इसमें थोड़ा सा जो सरप्लस वीट होगा उसको सेल भी कर लिया जाता है, इसको इंटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है। तीसरा आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही है केवल बिजनेस, यानी कि इससे पैसा कमाने के लिए केवल इसको किया जाता है। इसको मेसिव स्केल पे किया जाता है, यानी कि बहुत बड़े स्केल पे इसको किया जाता है। इसमें बिल्कुल इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किए जाएंगे, टूल्स यूज़ किए जाएंगे, फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाएंगे, हर तरह की चीज़ इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और इसमें जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और इसका एग्जांपल है जैसे प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, सुगर केन प्लांटेशन है, ऐसे ये सारे, ये क्या है, कमर्शियल फार्मिंग इसको कहा जाता है। ये तीन तरह की क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। अब आ जाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स। रबी क्रॉप जो है इसका जो एरिया है
सॉरी, इसका जो टाइमिंग है सोविंग टाइम, यानी कि सोने यानी कि बीज जब लगाए जाते हैं, इसकी बुआई जब की जाती है, तो सोविंग टाइम इसका है विंटर, अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टिंग इसका जो टाइम है वो स्प्रिंग में होता है, यानी कि अप्रैल टू जून। इसकी मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड, ये इसकी मेजर क्रॉप्स हैं जो रबी की क्रॉप्स होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना, इसको समझ लेना है। उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स, इसका जो सोविंग टाइम है, सोन का जो टाइम है वो है ड्यूरिंग मानसून। मानसून क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होता है, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये क्या है, मानसून के टाइम यानी कि मई टू जुलाई, इसको इसका सोविंग का टाइम बुआई का, और हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का टाइम है सितंबर टू अक्टूबर इसका है। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? इसमें है पैडी यानी कि राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये इसकी मेजर क्रॉप्स हैं। उसके बाद तीसरा है जैद क्रॉप्स, इसको कब लगाया जाता है? इसका सोविंग का टाइम है कि जब रबी क्रॉप्स अप्रैल में ख़त्म हो जाता है इसका टाइम, उसके बाद खरीफ क्रॉप शुरू होती है, तो उसके बीच का एक गैप मिल जाता है, बीच का एक टाइम होता है। तो रबी एंड बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में, यानी कि मार्च से जून के बीच में इस क्रॉप को लगाया जाता है, ताकि खेत जो हैं, प्लॉट्स जो हैं, वो खाली ना रहें। तो इसमें कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स आती हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फूड क्रॉप्स भी इसमें आती हैं। तो ये मेनली तीन थी, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स। इसके बाद हम देख लेते हैं सम मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के सम मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं जिनमें इंडिया आगे है, जो यहाँ के मेजर क्रॉप्स हैं, इसमें दो तरह की होती हैं, एक होती है ग्रेन्स और एक होती है लिग्यूमिनस। तो ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स में आएंगे आपके पास राइस, वीट, मिलेट्स एंड मेज, और लिग्यूमिनस में सारी पल्स है, जितनी भी दालें हैं वो इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले राइस का देख लेते हैं। राइस में इंडिया जो है, यानी कि इंडिया हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आफ्टर चाइना, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे राइस में आते हैं प्रोड्यूसर। इसके लिए जो कंडीशंस क्या हैं, 25 डिग्री सेल्सियस का इसमें क्या चाहिए होगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस, इससे ज़्यादा का चाहिए, 100 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल इसमें चाहिए। हरियाणा, इसमें मेजर लीडिंग स्टेट कौन से हैं इंडिया के, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इसके। उसके बाद वीट है, इसमें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, 50 सेंटीमीटर प्लस से ज़्यादा का इसमें रेनफॉल चाहिए होता है। इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसर जो स्टेट हैं वो हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये हैं। इसके बाद तीसरा आता है मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब, इसको कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, कोर्स ग्रेन्स। इस ये क्या है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ज्वार में कौन सा स्टेट आगे लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका, महाराष्ट्र, बाजरा के लिए उत्तर प्रदेश, और रागी के लिए कर्नाटका है। अब अगला जाता है मेज, इसमें 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, मध्य प्रदेश। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पल्सेस की। पल्सेस में क्या है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड कंज्यूमर भी है। पल्सेस का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, ओके। इसमें जो लीडिंग जो स्टेट हैं प्रोड्यूसर जो हैं वो कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। इसमें कॉमन क्या है कि मेनली आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कॉमन मिलेंगे, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये आपको कॉमन मिलेंगे, महाराष्ट्र, आपको सभी के लिए कॉमन मिलते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी कि जो फूड क्रॉप्स हैं ग्रेन्स को छोड़ के, ग्रेन्स से अलग जो फूड क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं। जैसे सुगर केन है, सुगर केन में क्या है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बिहार, कर्नाटका इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, स्टेट हैं। उसके बाद है ऑयल सीड्स, जिससे हमें एडिबल ऑयल्स मिलते हैं। इंडिया इसमें फर्स्ट नंबर पे है, ओके। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, तिल है, कस्टर सीड्स हैं। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर जो है स्टेट कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। उसके बाद है टी। इस टी जो है, ये क्या है, वेबरेज क्रॉप है। अब आपको पता है कि टी जो यहाँ पर है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था, जो टी जो वेबरेज क्रॉप्स थी। उसके बावजूद आज इंडिया, हमारा जो कंट्री है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं 2014 के अकॉर्डिंग।
और इसमें आसाम, दार्जिलिंग, केरला ये लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हैं टी के। उसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वर्ल्ड का 3.5% कॉफ़ी जो है वो इंडिया से प्रोड्यूस होता है, और यहाँ की जो कॉफ़ी वो सबसे गुड क्वालिटी कॉफ़ी है। यहाँ की जो कॉफ़ी जो सबसे अच्छी इसकी वैरायटी है वो है द अरेबिका। ये द अरेबिका ये पूरे वर्ल्ड फेमस वैरायटी है द अरेबिका। ओके, ये कहाँ से इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था बाबा बुदान हिल्स से। ओके, इसमें जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हैं वो हैं केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद आ जाती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब है कि इसमें आपके फ्रूट्स आएंगे। हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे। इंडिया हम लोग इसमें भी सेकेंड लार्जेस्ट हैं आफ्टर चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड लेवल पर आफ्टर चाइना। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कहाँ कहाँ पर होती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की, जैसे मैंगो जो है मैंगो के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। ऑरेंजेस नागपुर, मेघालय। बनाना के लिए केरला, महाराष्ट्र। लीची जो है बिहार की, और गुआवा जो है उत्तर प्रदेश। एप्पल जो है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। पाइनएप्पल के लिए मेघालय, और ग्रेप्स के लिए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उसके बाद कुछ नॉन फूड क्रॉप्स भी हैं। नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी हैं? जैसे रबड़। रबड़ के लिए क्या है, इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल चाहिए होता है। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद सिल्क। सिल्क क्या है, ये दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके कुकून से इसको ऑप्टेन किया जाता है। स्पेशली कहाँ पर, ये मलबेरी लीव्स में मिलता है। ये एक फाइबर क्रॉप्स है। उसके बाद है कॉटन। कॉटन क्या है, ये ब्लैक कॉटन सोइल, ये ब्लैक सोइल में होती है, तो इसके लिए इसको ब्लैक कॉटन सोइल। आपको पता ही है इंडिया का जो कॉटन है वो वर्ल्ड फेमस है, सबसे वर्ल्ड फेमस जो है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉटन जो है इंडिया का। ओके, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात। ये भी एक फाइबर क्रॉप है। उसके बाद जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे बैग्स बनते हैं, मैट्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं, कारपेट्स बनते हैं। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं वो कौन से स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल है, जहाँ का जूट सबसे वर्ल्ड फेमस है। बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। ओके, अभी क्या है, जूट जो क्या है ये, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए अब मार्केट में सिंथेटिक फाइबर आ चुका है। मार्केट में सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलून है, तो इसने इसको कॉम्पीट कर दिया है। अब इसमें ये क्या है? इस मतलब मार्केट में लोग अब इसको, क्योंकि इसकी कॉस्ट हाई है और जो सिंथेटिक फाइबर है इसकी कॉस्ट बहुत हल्की, कम कॉस्ट होती है, जैसे नायलून है, तो लोग इनसे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट हाई होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्टी मार्केट में, जो ये लूजिंग मार्केट यानी कि थोड़ा डिफ़िकल्टी इसको सहन करनी पड़ रही है कॉटन ड्यू टू हाई कॉस्ट। अब देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ करने के बाद, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, वाइट रेवोल्यूशन हुई, इससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सुधार आया, बहुत तेज़ी आई, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किए गए, बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं जो एग्रीकल्चर में रही हैं। जैसे आप आए दिन सुनते हैं कि किसान क्या कर रहा है, कि किसान पीड़ित है, जो हमारा किसान है वो पीड़ित है किसी ना किसी तरह से, कभी किसान आत्महत्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, इस तरह की कई चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चीज़ें करती है कि जिससे वो किसान जो है सपोर्ट उसको करने के लिए करती है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें की हैं, जैसे एक है KCC किसान क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट किसान को क्रेडिट पे कुछ चीज़ें उपलब्ध करवा देती है, जैसे फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, केमिकल्स जो चीज़ें चाहिए होती हैं, टूल्स चाहिए होता है, सीड्स चाहिए होते हैं, वो उपलब्ध करवा देती है इसके थ्रू। और जब इसको उनको दोबारा से रिपेमेंट इसकी करनी होती है, क्रेडिट पे देकर क्रेडिट पे मिल जाता है, और जब रिपेमेंट करनी होती है तो इसमें इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। एक और चीज़ जो है वो क्या है, PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम चलाई है। ICAR ये भी किसानों के लिए बनाया गया है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में नए नए रिसर्च किए जाते हैं, नए नए सीड्स हैं, और जैसे इसमें कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जैसे वेटरनरी सर्विसेज भी हैं, जहाँ पर एनिमल से रिलेटेड है, जहाँ पर जो एनिमल ब्रीड्स हैं वो डेवलप की जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। और जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके थ्रू क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है कि जो
किसान है उसको नुकसान ना हो, तो इसके लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च किए जाते हैं। MSP बनाया गया, MSP किया गया, जैसे इसको क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान लोग अपनी जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जो किसान है उसको नुकसान हो जाए, कि उसको कोई जैसे कोई भी चीज़ है वो अपने मन मर्जी के दामों में, कम से कम दामों में खरीद ले। इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है कि इससे कम में नहीं बिकेगा, यानी कि जो उसका जो भी क्रॉप है उसको इतना प्राइस तो कम से कम देना ही पड़ेगा, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। PDS सिस्टम रखा गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू दो कैटेगरीज की गई, APL और BPL। APL मीन्स जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आते हैं, BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो इसमें क्या है कि किसानों को BPL के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें बहुत कम दामों में उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो इसमें की गई हैं। तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स इसमें पढ़ लिए हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये सारे फैक्ट्स हैं, इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू।